नगर परिवहन समिति के अध्यक्ष बंटी कुकड़े ने नागपुर शहर के मध्य स्थित महाराज बाग मार्ग पर सिटी बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों के लिए नगर जल आपूर्ति विभाग द्वारा स्थापित एक नए और अद्यतन वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। परिवहन विभाग के प्रशासनिक अधिकारी रविन्द्र पाके, प्रशासनिक अधिकारी लेखाधिकारी विनय भारद्वाज, यांत्रिक अभियंता योगेश लुंगी, गिरीश महाजन, निखिल शुभम एवं जल स्वास्थ्य इंडिया सचिन मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए सभापति बंटी कुकड़े ने कहा कि शहर में चलने वाली ज्यादातर बसें महाराजबाग रोड स्थित इस सेंट्रल बस स्टैंड से चलती है, इसलिए यात्रियों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। पिछले कई सालों से यात्रियों के लिए पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। बस चालकों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वाटर एटीएम स्थापित करने के लिए जल आपूर्ति विभाग को फॉलोअप किया गया। कुछ ही देर में वहाँ नया वाटर एटीएम बन गया। इस वाटर एटीएम से स्टेशन पर पीने के पानी की समस्या का समाधान हो गया है और इससे नगर निगम पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। वाटर हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एटीएम के रखरखाव और दिन प्रतिदिन की सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए सभी को इस वाटर एटीएम का लाभ उठाना चाहिए, ऐसी अपील सभापति बंटी कुकड़े ने की। ज्यादा बसें आती है और ज्यादा प्रवासी रहती है, उनको पीने की पानी की समस्या थी। महानगर पालिका के जलप्रदाय विभाग के माध्यम से हमने यह निवेदन किया था कि यहाँ के जितने भी पैसेंजर्स हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर है, जो बस से रिलेटेड लोग हैं, उनको पानी पीने में जो तकलीफ होती है वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ड्राई वाटर के माध्यम से यहाँ पर हमने एटीएम लगाया है, जिसके जो है सचिन सर है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। आज वो एटीएम का, वाटर एटीएम का हमने विधिवत उद्घाटन किया है, जहाँ 30 रुपए की पानी की बिस्लरी की बोतल मिलती है, वही शुद्ध पानी, वही आरओ का पानी 5 रुपए में 1 लीटर लोगों को मिलेगा। ये जनता के लिए, यहाँ के सभी लोगों के लिए हम परिवहन समिति ने ये वाटर एटीएम लोगों को समर्पित किया है। थैंक यू। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।